नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और मुट्ठी में कर लो मैच, ये है मैसेज करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का भारतीय टीम को, जिसने 5 दिन के टेस्ट मैच में दूसरे दिन ही अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि बांग्लादेश की टीम बैकफुट पर है। उसको समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान में वो जो 2 टेस्ट मैच उसने जीते थे वो पाकिस्तान की गलतियों से जीते थे। अच्छा खेला था, लेकिन वहां पाकिस्तान में क्या गड़बड़ियां थी, क्या टीम की दिक्कतें थी, ये भी उनको समझ में आ गया है। और ये भी समझ में आ गया है कि ये हिंदुस्तान की टीम है जिसको लड़ना भी आता है, जिसको जीतना भी आता है, जिसको पीटना भी आता है, जिसको धोना भी आता है, कुल मिला जुला के सब कुछ आता है। क्या रहा है दूसरे दिन का पूरा ब्यौरा, वो आपको बताते हैं। किस तरह से भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में पकड़ अपनी मजबूत कर चुकी है, 308 रन की बढ़त अब उसके पास है, और 308 रन की बढ़त के साथ साथ हैं वो ढेर सारे विकेट जो अभी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद हैं। शुभमन गिल और ऋषभ पंत अभी क्रीज पर खेल रहे हैं। जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो शुभमन गिल 33 यानी 33 और ऋषभ पंत 12 यानी 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। दूसरे मैच के टेस्ट मैच के दूसरे ही दिन भारत ने शिकंजा कस लिया है। अब यहां से कहना बिल्कुल आसान है या बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप ये तो कह सकते हैं कि वो जो जीत की महक होती है, वो जीत की खुशबू होती है, वो तो आने लगी है। अब बस ये देखना है कि बांग्लादेश की टीम जो संघर्ष करती है वो कब तक करती है, कहां तक करती है। बिल्कुल सर, एक ये सवाल का जवाब देने से पहले मतलब एक ट्वीट, बहुत देर से मैं उसे देख रहा हूँ, संजय मांजरेकर ने वो ट्वीट किया जी। उन्होंने कहा है कि व्हाट अ साइड इंडिया हैज बिकम, द काइंड आई ड्रीम्ड ऑफ एज एन इंडियन प्लेयर इन 90s, जैसा सपना मैंने 90 के दशक में देखा था कि भाई हम खेलते हैं, हमारी टीम इस तरीके की डोमिनेशन से खेलना उसको चाहिए, वो भारतीय टीम आज फाइनली कर रही है। 2024 में आके हमको समझ में आ गई, एक ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट आप मैच कभी भी तब तक नहीं जीते हो जब तक मैच पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर, एक इतना ऊंचा कद रखना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जैसे था 90s और अर्ली 2000 में जो हम देखने को मिलता था, इसी तरीके की क्रिकेट वो खेलते थे कि जब तक मैच खत्म ना हो जाए तब तक आप मैच जीते नहीं है। एक उम्मीद जरूर बनी थी बांग्लादेश की टीम के लिए जब उन्होंने 4 विकेट बहुत जल्दी जल्दी ले लिए थे, लेकिन वहां से ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की एक पार्टनरशिप लगती है, और फिर वहां से भी कहीं ना कहीं टीम मैदान में थी। 146 में 6 विकेट गिराने के बाद किसने सोचा होगा पूरी दुनिया में कि यहां से रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन जमेंगे, और ना सिर्फ जमेंगे करीब करीब 400 रन टीम के टोल को पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ बांग्लादेश, खैर वो तो कहानी सर लगातार कह ही रहे थे, एक ही नाम उनके मुंह से बार बार निकल रहा था, बार बार एक ही जो नाम वो बोल रहे थे वो इसी के बारे में, जसप्रीत बुमराह। आपका कॉन्फिडेंस सर, उन्होंने बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई कमी अपने ओवर से छोड़ी नहीं, 4 विकेट उन्होंने निकाल लिए बड़े आसानी से, 6 गेंद उनको लगी उनके एक ओपनर को निपटाने में एक टेस्ट मैच में। ये इस तरीके का कद इस वक्त जसप्रीत बुमराह का है, इस तरीके के स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं, इसीलिए शायद इतना भरोसा किया भी जाता है उनके ऊपर। और उसके बाद फिर कहानी अब जैसे हमारी मर्जी, हम जैसे रचना चाहें उसको, जिस तरीके से हम जीतना चाहें, जैसे चाहे हम कल खत्म करें, चाहे परसों करें, या फिर एक और दिन हम 2 दिन बल्लेबाजी करने के बाद करें, अब तो चीजें पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान में उन्होंने अच्छा जरूर खेला था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम को वहां चैंपियन बनाने में बड़ा हाथ पाकिस्तान का भी रहा था। खाली बांग्लादेश ने अच्छे खेल से नहीं जीता था, बुरा खेल पाकिस्तान का था तो भी वो जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन यहाँ ये इंडियन साइड है सर। और लगातार पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले सेशन से हम यही बात कह रहे हैं, कुछ भी कर लो जब तक टेस्ट मैच खत्म ना हो जाए नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। और ये बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा है, 3-4 विकेटें उन्होंने ली थी तो उस टाइम उन्हें कहीं ना कहीं महक आ गई थी, वो एग्रेशन दिखने लग गया था उनकी बॉडी लैंग्वेज में कि भाई हाँ, बहुत ज़्यादा पीछे से चैंटिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही थी कि थोड़ा सा फंबल करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये वो पंथ हैं जो सर टिम पेन की मतलब भरी ऑस्ट्रेलिया जनता के बीच में इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं। और आज जब दिन खत्म होने से ठीक पहले जब उन्होंने शाकिब अल हसन की गेंद पर आगे निकल के वो छक्का लगाया, वो एकदम 2 साल पहले का रिमाइंड मेरे सामने आ गया कि हाँ, अब फील हो रहा है कि ऋषभ पंत एज अ टेस्ट क्रिकेटर इज बैक। बिल्कुल, और जिस तरह से भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में गेंदबाजी की है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान का जिक्र हम बार बार क्यों कर रहे हैं, आखिर अगर आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देते हैं, यही बांग्लादेश की टीम अभी पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैच खेले गए, दोनों टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने अपने मन मुताबिक पिच बनवाई। पहले मैच में तो वो 28 साल के बड़े अंतराल के बाद बगैर स्पिनर के उतरे, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरे, दूसरे मैच में खैर वो स्पिनर को लेकर आए, लेकिन फिर वही वाली बात है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तक जो है वो बातें हाथ से निकल चुकी थी। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 10 विकेट के अंतर से जीता, दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेट से जीता,
1952 से पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, साल 2000 से बांग्लादेश खेल रहा है, यानी तिगुने का फर्क था अनुभव में। लेकिन बांग्लादेश की टीम जब वहां 2-0 से जीत के आई टेस्ट की हिस्ट्री में पहली बार, तो फिर जब वो भारत आई तो ये लगातार कहा जा रहा था कि इस टीम को कम नहीं आंकना चाहिए, कम हमने आंका भी नहीं। चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, सबने वो इज्जत दी जो इज्जत बांग्लादेश के खिलाड़ी या बांग्लादेश की टीम डिजर्व करती है। लेकिन वो अनुभव कहां से लाएं, वो अनुभव कहां, उस अनुभव के लिए जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा खराब अगर बॉलिंग करते तब शायद कुछ हो सकता था, लेकिन वो खराब गेंदबाजी होती नहीं। नतीजा दिखाते हैं आपको क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 149 रन बना पाई पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम। मेरा अपना प्रेडिक्शन था 160 रन का, मैं न्यूज रूम में घूम घूम के कह रहा था कि ये 160 रन की टीम है हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने कहा लीजिए हम आपके प्रेडिक्शन से भी थोड़ा कम ही बनाएंगे, सिर्फ 47.1 ओवर ही टिक पाई बांग्लादेश की टीम। ये वही बांग्लादेश की टीम है, ये वही बल्लेबाज हैं जो अभी पाकिस्तान में तहलका मचा के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ फर्क जो है वो भारतीय गेंदबाजी का है, यहाँ भारतीय गेंदबाज उस तरह से कॉम्प्लेसेंट नहीं है, उस तरह से लाइन लेंथ से भटके हुए नहीं है, उस तरह से गैर अनुशासित नहीं है। ये टीम बॉलिंग के बदौलत आजकल ज़्यादा चर्चा में रहती है अपनी बल्लेबाजी से इतर, और इसीलिए 7 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। शाकिब अल हसन जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं इस टीम में, वो 32 रन बना पाए, उसके अलावा पूरी की पूरी टीम जो है वो बांग्लादेश की भारतीय गेंदबाजी के सामने लाचार दिखाई दी। दीपेश अब फिर एक बार पाकिस्तान से ही रेफरेंस लेते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा था, टॉप ऑर्डर वहां भी नहीं चल रहा था, लेकिन वहां क्या हो रहा था, ये जो बीच में 3-4 प्लेयर है ना, चाहे वो लिटन दास हो, चाहे वो शाकिब हसन हो, चाहे मेहदी मिराज हो, ये सब थोड़ा थोड़ा अपने पास अनुभव रखते हैं, और फिर वहां से खराब गेंदबाजी हो रही थी, तो नतीजा क्या हो रहा था कि आपने टॉप ऑर्डर को तो बांग्लादेश के जल्दी निपटा दिया, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में भी लोअर मिडिल ऑर्डर टिक रहा था, रन बना रहा था और जीत दिला रहा था। यहां उल्टा हुआ, यहां क्या हुआ, टॉप ऑर्डर भी नहीं चला, मिडिल ऑर्डर में भी टॉप की जो खिलाड़ी वो भी नहीं चले, और जो लोअर मिडिल ऑर्डर हम कहते हैं जो टर्म वो भी नहीं चला, क्योंकि अनुभव भारतीय गेंदबाजों का जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है, उनका जो इंटेंट है, उनका जो टेस्ट क्रिकेट को लेकर सिंसियरिटी है वो शायद अलग है, और उसी का नतीजा है 47.1 ओवर, यानी 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, ऐसे समझिए। बिल्कुल सर, और एक चीज़ यहाँ बहुत जाननी ज़रूरी है कि कितने हिसाब किताब के साथ रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजों को आज यूज़ किया है। मतलब उन्होंने मुशफिकुर रहीम को आउट कराया जसप्रीत बुमराह से, जो कि इस वक्त तो दुनिया का कोई ही बल्लेबाज ऐसा होगा जो थोड़ी देर अगर वो चाह लें और उनके सामने कोई टिक जाए, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। लेकिन फिर शाकिब अल हसन और लिटन दास उनको ठीक तरीके से थोड़ा खेल ले रहे थे, प्ले कर ले रहे थे, तो वहां उन्होंने रविंद्र जडेजा को लगाया, दोनों विकेटें जडेजा ने निकाल के दी, और टी से पहले की जो आखिरी गेंद थी, मतलब आप उस गेंदबाज का कॉन्फिडेंस समझिए, जब पूरी टीम की अप्रोच कैजुअल हो जाती है कि नहीं अब तो आखिरी गेंद है, फिर जाके अपना जाएंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, चाय वाय पी के फिर से मैदान पे हमें लौटना है, फिर समझेंगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन नहीं, जसप्रीत बुमराह थे, उन्होंने दिमाग में एक चीज़ ले रखी थी कि भाई टी से पहले की जो आखिरी गेंद है क्यों ना इसी पर विकेट ली जाए, उन्होंने उसी गेंद पर विकेट निकाला, किसका, हसन महमूद का, और वहां से बांग्लादेश पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गई। ये चीज़ दिखाती है, ये चीज़ बताती है कि जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करना किस हद तक पसंद है, और शायद इसी वजह से जब आपको किसी चीज से प्यार होने लगता है तो फिर उसके रिजल्ट्स आपके सामने आने लगते हैं, यही केस है, और यही जो हम बार बार पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम लगातार उस सीरीज के दौरान हम एक ही बात करते रहे कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे ज्यादा उन्होंने कहीं ना कहीं ध्यान दिया कि भाई मेरे 40-50 हो जाए, मेरी टीम में जगह सेफ है। सर, भारतीय टीम में पूरा सिनारियो एकदम उल्टा है, यहां आपको खाली कोच और मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि बीसीसीआई का जो टॉप नॉच जो अधिकारी है वो आपको बैक करते हैं कि आप टीम में हैं, आप टीम को अपने हिसाब से चलाइए, पूरी तरीके से आपको पूरी छूट है। और अच्छी बात ये रही, भारतीय क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में कितना अंतर है, क्या कंपैरिजन है, किस तरीके से एक दूसरे के सामने वो स्टैंड करते हैं, इन दो महीनों में बहुत अच्छे से पता चल गया, क्योंकि दोनों ही देशों ने सेम टीम को फेस किया, ऑलमोस्ट सेम टू सेम कंडीशंस पे फेस किया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बॉल बहुत ज्यादा घूम रहा है, स्पिनर्स को अश्विन ने सबसे ज्यादा ओवर डाले, एक विकेट नहीं मिला, अपने घर में पहली बार ऐसा हुआ। इसके बावजूद फास्ट बॉलर्स की विकेट्स थी, फास्ट बॉलर्स हमारे कैसे हैं और वहां उनके कैसे थे, ये भी बहुत, वो 550 रन दे गए इन्हीं फास्ट बॉलर्स पे, इन्हीं बल्लेबाजों के खिलाफ, और हमने कैसे 149 रन पे बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया। तो ये बताता है कि आज की डेट में दोनों देशों की जो क्रिकेट है वो कहाँ खड़ी हैं, कहाँ फिलहाल लाए करती हैं, कितना अंतर है दोनों में। चाहे आप किसी भी हद से जांच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, हम इतना दम रखते हैं कि हमारी टीम के जो सबसे बड़े बड़े बल्लेबाज हैं अगर वो बिना कुछ करे भी आउट हो जाएं
फिर भी हमारा लोअर ऑर्डर जो अभी हमने टर्म इस्तेमाल किया है मिडिल ऑर्डर इतना दम रखता है कि वो अपने दम पे टेस्ट मैच जिता सकता है। वहां एक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आउट होते हैं तो ऐसे आनंद फानंद की स्थिति हो जाती है सर कि पूरी टीम आप देखेंगे धीरे धीरे करके 100 रन के अंदर आउट हो जाती है। तो ये एक डिफरेंस जो इन दो महीने में कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत साफ तौर पर देखने को मिला है। बिल्कुल ये फर्क देखने को मिला है और इस फर्क को अब सबसे ज्यादा कोई महसूस कर रहा होगा इस वक्त तो वो बांग्लादेश की टीम भी महसूस कर भी रही होगी। वहां पर जिस तरह से जैसा वो चाह रहे थे वैसा हो जा रहा था क्योंकि उनको वैसा करने का मौका मिल रहा था या कहें कि उनको वैसा करने का मौका दिया जा रहा था। यहां दाल नहीं गलना जो कहावत कही जाती है ना वो नहीं हो पा रहा है। चाह वो सब कुछ रहे चाह वो वैसा ही चाह रहे हैं कि यहां भी विकेट गिर गए बट थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा एक पार्टनरशिप डेवलप करे लेकिन पार्टनरशिप डेवलप करने का मौका तो मिले डेवलप करने तो दिया जाए। भारतीय गेंदबाज जिस तरह से आक्रामकता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और जैसे आपस में एक हेल्दी होल्ड लगी हुई है कि मुझे विकेट चाहिए मुझे भी विकेट चाहिए लाओ जरा मुझे गेंद दो मैं विकेट लेकर आता हूं जो रोहित शर्मा कहते भी हैं कई बार मजाक में कि भारत में टेस्ट मैचेस हो रहे हैं तो भारतीय बॉलर्स आके मांग लेते हैं कि भाई बॉल दे दो मुझे विकेट निकालना है तो वो देखने को मिल रहा है। भारतीय बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंस रही वो भी आपको दिखाते हैं। जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह के ये जो 4 विकेट थे वो 11 ओवर में 50 रन देकर 4 विकेट यानी मैच भले ही टेस्ट मैच हो और कलर ड्रेस की बजाय व्हाइट ड्रेस में हो रहा हो लेकिन आंकड़े लग रहा है बिल्कुल जैसे किसी वनडे मैच के हो जहां पे आपने 47.1 ओवर में विरोधी टीम को ऑल आउट कर दिया हो और 11 ओवर में 50 रन देकर 4 विकेट लिए हो। आकाशदीप रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को भी 2-2 विकेट मिले। तेज गेंदबाजों के खाते में 8 विकेट आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर अभी मैं बात भी करूंगा। आर अश्विन को पहली पारी में कोई भी विकेट नहीं मिला संभवतः दूसरी पारी में जब बांग्लादेश की टीम आएगी तो उनके नाम के आगे भी जो विकेटों का कॉलम होगा वो आप खाली नहीं देखेंगे क्योंकि तब तक स्पिनर्स का जो रोल है इस मैच में वो बढ़ चुका होगा। अभी आप देख सकते हैं उनके विकेट के आगे 0 लिखा हुआ है लेकिन मेरा अपना प्रिडिक्शन मेरा अपना पूर्वानुमान कहता है बस मान लिया सर आपने अनुमान लगाया मान लिया दूसरी पारी में जब आएगी तो वहां पर आपको अश्विन मतलब भले ही पहली पारी में वो विकेटलेस गए हों अपने होम क्राउड के सामने लेकिन मैच से विकेटलेस नहीं जाएंगे। अब मैं आता हूं वो फास्ट बॉलर्स पे। हम लोग ये मैच जब शुरू हो रहा था दीपेश तो बात कर रहे थे कि चाहे आप टीम सिलेक्शन की बात कर लें चाहे प्लेइंग 11 की बात कर लें चाहे उस तैयारियों में टेम्परामेंट की बात कर लें सब कुछ ऐसे हो रहा है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से जा रहे हैं। ये जो 8 विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइन है भारतीय कप्तान के लिए भारतीय कोच के लिए क्योंकि इसके बाद वो 5 टेस्ट मैच जो आपको इंडिया में खेलने वो हटा दें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप भी जानते हैं कि स्पिनर्स का रोल इतना बड़ा नहीं रहने वाला वहां पर आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए होंगे और इससे अच्छी बात क्या है अगर वो आपको पहली इनिंग में ही 8 विकेट निकाल कर दे रहे हैं तो। बिल्कुल सर और एक ऐसा गेंदबाज आपका अब गेंदबाजी कोच है बॉलिंग कोच है जिसने खुद ऑस्ट्रेलिया में बहुत डोमिनेट किया है मतलब मॉर्ने मॉर्गिल की बात मैं करूं आज जब गेंदबाज विकेट्स ले रहे थे फास्ट बॉलर स्पेशली मतलब जब आकाशदीप ने लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट लिए मॉर्ने मॉर्गिल का रिएक्शन बता रहा था कि हाँ भाई अब मेरी मेहनत कहीं ना कहीं जाके रंग लाई है वो जो पाकिस्तान में मैं अपना टाइम पास कर रहा था पिछले 6 महीने से उसका कोई मतलब नहीं था। बहुत ज़्यादा उनकी वहाँ बेकदरी हुई जितना उन्होंने बातें बोली बयान वगैरह दिए बताया टीम के बारे में उस पर कोई एक्शन तो लिया नहीं गया। अब आए एक अच्छे बोर्ड के पास एक अच्छे मैनेजमेंट के नीचे तो किस कदर वो इतना बड़ा गेंदबाज खुश था कि हाँ भाई एक आज जो निचले क्रम का एक गेंदबाज था जो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में उसको मैंने कहीं ना कहीं आज एक कुछ ऐसी चीज़ बताई या सिखाई जिससे वो विकेट लिया और शायद ये सर कहीं ना कहीं मैदान पे देखने को मिलता है जब आपका सिखाया हुआ कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट होता है उस जगह पे तो आपको खुशी होती है ये चीज़ देखने को मिली मॉर्ने मॉर्गिल की तरफ से। खैर बुमराह तो बुमराह है उनकी तो ऑस्ट्रेलिया में वो 2 बार डोमिनेट कर चुके हैं अब उनकी कितनी तारीफ की जाए कितने शो उनके ऊपर किए जाएँ कितनी बातचीत उनको लेकर की जाए वो भी कम ही है वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा नया कारनामा कर देंगे कि हमें बात करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सिराज की भी सर यहाँ पूरी तारीफ होनी चाहिए थोड़े अनलकी रहे जब उस रिव्यू पे उन्हें विकेट मिल सकता था शांतो का वहां मना कर दिया ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ने लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने 2 विकेट लिए अपनी कला पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये गेंदबाज भी एक समय था सर यही वो यशदयाल वाली हाल था इनका भी जो हम बातचीत करते कि भाई आईपीएल में इतना रन खाने वाला गेंदबाज टीम इंडिया में कहां से टिक पाएगा लेकिन कोहली ने बैक किया कि नहीं मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन एक गेंदबाजी यूनिट बनाना चाहता हूं और उसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने डिलीवर किया इंग्लैंड में डिलीवर किया ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी डेब्यू सीरीज में सिडनी टेस्ट में 5 विकेट उन्होंने निकाले और वहां से कभी सिराज ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में। अब सिर्फ इस बॉलिंग लाइनअप में मोहम्मद शमी की कमी है बहुत ज्यादा अगर आप हार्दिक पांड्या को लाना चाहें तो साइड में ला सकते हैं लेकिन अब टीम तैयार है
जो बार बार वहां से बयान आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से कि हम 5-0 से जीतेंगे, बयानबाजियां उस देश में बहुत होती हैं। देखिए अब ये चीज़ लगातार हमें देखने को मिलेगी अगले 2-3 महीने तक के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन भारतीय टीम हर बार साइलेंटली जाती है। उम्मीदें ज़्यादा हैं ये बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि दो बार आप सर जीत के आए हैं और आप चाहेंगे नहीं कि जब वहां के ज्यादातर प्लेयर्स अब अपने रिटायरमेंट की ओर देख रहे हैं तो उनसे आप हार के आए। तो सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं सर, वो सीरीज लगातार तीसरी बार जीती। और बताइए कि आप अब ऑस्ट्रेलिया से भी कद में टेस्ट क्रिकेट में बहुत ऊपर हैं, 10 साल से आपने डोमिनेट किया है, अब भी अपनी तरफ से कोई चांस मत दीजिए। बिल्कुल, और 10 साल में भी वहां पर जाकर भी जीते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी जीते हैं। और रही बात मोहम्मद सिराज की, मुझे पता नहीं क्यों मोहम्मद सिराज में एक ऐसा बच्चा दिखाई देता है बीच बीच में जो बहुत मेहनत करता है अपने एग्जामिनेशन से पहले, लेकिन कई बार उसको विकेट नंबर्स जो है उस तरह से नहीं मिलते, उसके नंबर्स कम हो जाते हैं। अब दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, अब हालांकि जो दूसरे तरह के होते हैं वो कमी रह गए, जो इस पर डांटे बच्चे को कि नंबर तेरे आए नहीं तो मेहनत क्या करता है। अब पेरेंट्स उस मेहनत को भी बहुत मोल देते हैं जो बच्चे ने किए, हो सकता है नंबर ना आए हो, थोड़े नंबर कम आए हो, लेकिन मेहनत तो दिखती है। मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आप हर ओवर की हर गेंद पर देख लीजिए, वो मेहनत आपको दिखाई देगी। जो हम कहते हैं ना कि एक गेंदबाज में विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है जो वो डेवलप करता है, यानी आपके अंदर ये विश्वास होता है कि वो विकेट ले सकता है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी मोहम्मद सिराज के अंदर है। और जो बात आपने जसप्रीत बुमराह के लिए कही कि चाहे कितने शोज कर लें, चाहे कितने डेटाज हम गिना दें, असल में तो हम कई बार मतलब ये शायद बैट्समैन को लेकर थोड़ा सा ऑब्सेशन होता है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि रोहित शर्मा या विराट कोहली के मैदान में उतरने का मतलब है कि कोई ना कोई रिकॉर्ड बन ही रहा होगा, अगर रिकॉर्ड बुक को आप खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई एंट्री जो है इनके नाम से हो ही रही होगी। वो लिस्ट अब लंबी होती जा रही है, उस लिस्ट में आप रविंद्र जडेजा का नाम जोड़िए, उस लिस्ट में आप आर अश्विन का नाम जोड़िए, उस लिस्ट में आप जसप्रीत बुमराह का नाम जोड़िए। ये भी वो खिलाड़ी हैं जो जब भी किसी मैदान में उतरते हैं तो कुछ ना कुछ वो करते हैं, और मेरे ख्याल से 400 विकेट इनके पूरे हुए हैं आज इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो भी एक अपने आप में बड़ी कामयाबी है। इस लिहाज से भी शायद ये जो टीम है, ये जो यूनिट है भारतीय टीम का जिसको बनाने में मेहनत लगी है, ये ऐसा नहीं रातों रात तैयार नहीं हुआ है इसको बनाने में। मैं मतलब अभी दीपेश कहेंगे फिर मैं ले आया, लेकिन मैं राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दूंगा कि वो जो मेहनत उन्होंने की पर्दे के पीछे रह के, कई बार आप मतलब दिखाई नहीं देता, आपका नाम नहीं होता, लेकिन आप पर्दे के पीछे से मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, वो मेहनत की है राहुल द्रविड़ ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरे मैच में एक चिंता का विषय भी है, और वो चिंता का विषय है भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर। पहली इनिंग में क्या हुआ था आपको याद ही है, 10 ओवर का खेल भी नहीं हुआ था तब तक कप्तान रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल और फिर विराट कोहली, ये 10 ओवर भी नहीं हुए थे तब तक 3 के 3 आपके दिग्गज खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इस पारी में यानी दूसरी पारी में भारतीय टीम जब उतरी बल्लेबाजी करने, एक बार फिर वही देखने को मिला। कप्तान रोहित शर्मा जो हम आपको बता भी रहे हैं स्क्रीन पर, 5 रन बनाकर आउट हुए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तस्कीन अहमद ने उनका विकेट लिया, यशस्वी जायसवाल पिछली इनिंग में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी लेकिन इस इनिंग में 10 रन बनाकर वो आउट हो गए, और विराट कोहली भी एक बड़ा ही अजीबो गरीब मैं कहूंगा शॉट खेलकर आउट हुए 17 रन पर, और वो भी तब जब उनका एज लगा था जो उनको समझ में आना चाहिए था। और असल में देखा जाए तो जो रिएक्शन था, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा का रिएक्शन देख लें या इवन अंपायर का रिएक्शन देख लें कि अरे भाई विराट कोहली साहब आपको तो 1.5 दशक का तजुर्बा है इस मैदान पे, आप कितने मैच खेल चुके हैं, आखिर क्यों नहीं समझ में आया कि वो एज लगा है और क्यों आपने DRS की मांग नहीं की। अनलकी रहे कह लीजिए, चाहे उसको हटा भी दीजिए तो भी टॉप ऑर्डर की ये परफॉर्मेंस डिसअपॉइंट तो करती है। रन्स तो करने होंगे, देखिए बॉलर्स आपको जिताकर दे रहे हैं, बॉलर्स आपको जिता के दे भी देंगे, लेकिन ये एक बड़ा एरिया है, और ये बड़ा एरिया इसलिए है क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर रन ही नहीं करेगा तो फिर आज बांग्लादेश की टीम है आप उसको फंसा ले रहे हैं, बड़ी टीमों के सामने ये मुसीबत बन जाएगी। हाँ सर, ये फिर वही लंबे केस में सोचना होगा ना आपको, ये तो ठीक है बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको सेव करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, कभी कोई चल जाएगा, ये जो ए और बी का हमने फॉर्मूला बताया था उस दिन के, ए से बचोगे तो बी मारेगा, बी से बचोगे तो सी और डी है ई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ABCD सर वो फिर XYZ हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको वहां टॉप ऑर्डर तो रन करने होंगे भाई, आप वहां अपने जो कामयाबी का आप पूरा हिसाब किताब है पिछले इतने सालों में ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं, रन जब किए शुभमन गिल ने, रन जब किए लगातार चेतेश्वर पुजारा ने, अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी की, 4 नंबर पर विराट कोहली ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी, उसके बाद ऋषभ पंत जब
ये पांच बल्लेबाज चले हैं। तो इक्का दुक्का समय पे जब भारतीय टीम फंसी तो शार्दुल ठाकुर ने 50 लगा दी, या वॉशिंगटन सुंदर ने वारन आपके लिए स्कोर कर दिए, या फिर कई बार आपके लिए वहां नीचे बल्लेबाजी करने मयंक अग्रवाल आए तो थोड़े बहुत रन उन्होंने स्कोर कर दिए, तब ये एक टीम बनती है। टॉप ऑर्डर को वहां देना होगा। ऑस्ट्रेलियन टीम ये गलती नहीं करेगी कि 146 पे 6 विकेट करने के बाद फिर आपको 350-400 रन बनाने का मौका देगी, वो 200 तक आपको पैक कर देगी। और ये पक्की बात है, वर्ल्ड कप का फाइनल सबसे बड़ा उदाहरण है जहां लगातार विकेट गिरते रहे लेकिन हम आस बांधे रखे कि नहीं अभी केएल राहुल हैं, अभी रविंद्र जडेजा हैं, अभी श्रेयस अय्यर हैं, अभी सूर्य कुमार यादव हैं, रन बन जाएंगे, 250-300 रन बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने नहीं पहुंचने दिया क्योंकि वो गेम में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, ये बात पक्की है। जैसे ही गेम उनको अपने हाथ में आता हुआ नजर आता है, और सर ऑस्ट्रेलिया ने तो खैर जो बात हमने अभी मैंने इस शो के शुरुआत में बोली थी कि जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता भारतीय टीम को हारा हुआ तो मानिए ही मत, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो कितने ऐसे उदाहरण हैं सर, मतलब टेस्ट क्रिकेट आप देख लीजिए, वनडे देख लीजिए, ग्लेन मैक्सवेल एक टांग से खड़े खड़े उन्होंने 200 रन मार दिए और अपने दम पे अफगानिस्तान की टीम को हरा दिया उस मैच में। तो ये दिखाता है कि लड़ने का जज्बा अभी भी उनमें थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि उनको इस चीज की जीतने की जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ी ज्यादा है। और शायद इसी का जो एक शो हमने किया था कि 178-78 पे हमारा जीत हार का जो काउंटर है वो बराबरी पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जब आप देखेंगे तो एक बड़ा अंतर वहां आपको नजर आएगा। तो उनको हराने के लिए आपको आपके जो टॉप ऑर्डर है अगर लंबी सोच के साथ आप जा रहे हैं तो इसको कैजुअली बिल्कुल नहीं लेना होगा कि बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने विकेट पे आप रन नहीं बना पा रहे लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में जाके बना लेंगे, वो आपको और बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। और ये भी मैं मानता हूं कि जितने एनालिस्ट और कहीं ना कहीं वहां मैनेजमेंट वाले लोग हैं उन्होंने अभी से ये चीजें देखनी शुरू भी कर दी होंगी कि कहां भारतीय बल्लेबाज फंस रहे हैं या कहां उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब हम यहां शो बैट करते हुए सर एक बात जानते हैं कि विराट कोहली आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल को हार्ड हैंड से खेलने जाते हैं, एज लगता है फंसते हैं, तो क्या वहाँ के जो एनालिस्ट हैं, वहाँ के जो प्रोफेशनल लोग हैं, क्या वो ये चीज़ बार बार नहीं देख पा रहे होंगे? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझना होगा। हम इतने दिन से एक बात कह रहे हैं कि स्पिनर्स के अगेंस्ट उनके स्वीप शॉट हैं जो वो बंद हो गए, आज भी क्या हुआ, जब दूसरी पारी में आउट हुए आगे की एक गेंद थी, पैर निकाला जिसको फ्लिक करने की कोशिश की, वहीं से आराम से स्वीप मारते तो वहाँ 4 रन भी मिल जाते या 2 रन भी मिल जाते, बिल्कुल। लेकिन क्या ये चीज़ नेथन लायन नहीं देख रहे होंगे वहाँ बैठ के? तो जिन्होंने पहले ये बात कह भी दी है कि 5-0 से इस बार हराएंगे, तो इन जब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो बहुत सी तैयारियां उन्होंने भी की होगी और लंबे तौर पर सोचना होगा। मतलब 5 टेस्ट मैचेस आप घर में जीत भी जाएंगे, आपको बचाने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर हराना है, क्योंकि अगर वो चढ़ना शुरू हुए तो फिर सर वो 5-0 भी कर सकते हैं, उनमें ये दम है। अब हम अपनी टीम को देख के ये कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं क्योंकि इकलौता बुमराह आपको मैच नहीं जिता सकता, ये बात माननी होगी। टीम गेम है तो उसको टीम की तरह पे ही चलना होगा, वरना सचिन तेंदुलकर ने अपने दम पे 175 मारे थे फिर भी टीम वो टारगेट नहीं चेज कर पाई थी। वो मैच बार बार मेरे जहन में आता है क्योंकि सच में जब एज अ किड मेरे को दर्द हुआ था किसी मैच को इंडियन टीम के को देख के, तो वही था कि एक बंदा 175 कर जा रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी कैसे जीत जा रही है। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ है सर, वो गिव अप नहीं मारते हैं जैसे बांग्लादेश और दूसरी टीमों के सिनारियो में आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वो जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे कमजोर टीम सामने है चाहे मजबूत टीम सामने है, रन्स बनाना टॉप ऑर्डर का काम है। अगर आप नींव ही कमजोर बनाएंगे तो एक आध दो बार हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि गेंदबाज आपके पास इस वक्त वर्ल्ड क्लास हैं, वो आपको जीत दिला दें। लेकिन जब ये भी याद रखिएगा कभी ना कभी दीपेश गेंदबाजों का भी दिन बुरा आएगा, ऐसा नहीं कि गेंदबाज आपको हमेशा के हमेशा, कोई मैच ऐसा आएगा जहां यही जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं निकाल पाएंगे, यही मोहम्मद सिराज विकेट नहीं निकाल पाएंगे और फिर उस दिन आपको खड़े होना पड़ेगा। उस दिन हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा दिन आया था, 19 नवंबर का दिन, आज बिल्कुल बिल्कुल वर्ल्ड कप का, उसमें क्या हुआ था, बैट्समैन से भी नहीं हुआ और बॉलर से भी नहीं हुआ, उससे पहले बैट्समैन से नहीं हो रहा था लेकिन बॉलर्स निकाल के दे रहे थे, 10-10 विकेट से भारत वो मैच जीता रन्स के मामले में। और अगर आप जाकर दूसरी तरफ से देखेंगे तो वहां भी बड़ी जीत भारत ने हासिल की थी। तो ये टीम गेम सबके अपने अपने डिपार्टमेंट हैं, तो इसलिए भैया रोहित जी हो चाहे विराट जी हो चाहे हमारे गिल साहब हो, आने वाले समय में केएल राहुल भी आएंगे, इन लोगों को यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही रन बनाना नहीं है, रन तो बांग्लादेश के खिलाफ भी बनाने ही पड़ेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो बड़ी कमजोर साइड थी इसलिए हमने थोड़ा लाइटली ले लिया, ऑस्ट्रेलिया में जाके हम रन कर लेंगे, वहां पर और बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं। और दीपेश आप जो कह रहे हैं ना कि क्या ये बात नेथन लायन नहीं देख रहे होंगे, अगर वो नहीं भी देख रहे होंगे तो उनको दिखाने के लिए टीम में 10 लोग होंगे और उनका काम ही यही है। और क्रिकेट इतना तरक्की कर गया है, तकनीकें इतनी आ चुकी हैं कि अब तो किसी बल्लेबाज की कमजोरी उसके एक मैच की नहीं पिछले 20 मैच के रिकॉर्डिंग आपको एक मिनट में दिखा सकता है, आपकी टीम के साथ जो वीडियो का बंदा जुड़ा हुआ है बता देगा, देखिए साहब पिछले 20 पारी में से 15 बार ये ऐसे आउट हुए हैं या 15 बार ये इस तरह से बीट हुए आपको उसी तरीके से। और आपने इसलिए देखा भी होगा कि वर्ल्ड क्रिकेट में खासतौर पर कोई एक खास बल्लेबाज आता है तुरंत विरोधी टीम का गेंदबाज अपने विरोधी टीम का कप्तान किसी एक खास गेंदबाज को ले आता है क्योंकि उसको पता होता है कि कैसी गलतियां वो कर रहा है। खैर चलिए, ये अभी टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच है बांग्लादेश के खिलाफ और चूंकि
सब कुछ अच्छे से चल रहा है, इसलिए शिकायतें उतनी ज्यादा नहीं है। अभी कह सकते हैं आपकी थोड़ी सी उम्मीदें टूटी हैं इन खिलाड़ियों से, ये रन करते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए भी शायद ये लगता है कि भाई ये रन करें और इनको रन करना चाहिए अगर भारतीय टीम को अच्छा करना है तो। अब यहां से भारतीय टीम का रास्ता क्या है, यहां से भारतीय टीम तीसरे दिन जब मुकाबला शुरू होगा तब क्या कुछ करेगी, किस तरह की रणनीति रहेगी, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेरे ख्याल से भारतीय टीम की जीत के रास्ते को साफ कर देंगे। भारत की बढ़त 300 के पार हो चुकी है, चाय काल तक यानी टी तक बैटिंग की कोशिश होगी, करीब 450 रन बनाने का प्रयास होगा स्कोरबोर्ड पर। भारतीय स्पिनर्स का रोल बढ़ चुका होगा क्योंकि तब तक चेन्नई की विकेट, दीपेश भी कह रहे थे और इससे पहले हम लोग आपस में भी बातचीत कर रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्पिनर्स को वहां पर मदद ना मिले, वो एक सेशन आएगा ही आएगा जब गेंद थोड़ा सा ज्यादा हरकत करेगी और उसी सेशन को पकड़ना है, उसी चीज का फायदा उठाना है और पहली पारी के मुकाबले स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। यानी जो बात मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले उसकी आप भी तस्दीक कर दीजिए कि अश्विन पहली पारी में हो सकता है विकेटलेस गए हो लेकिन पूरे मैच में विकेटलेस जाएंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है। हाँ सर, आंखों को आदत भी नहीं है ना कि इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा हो और 5 विकेट उनके एक खाते में आए ना हो, तो ये थोड़ा सा चीज मतलब देखने को मिलेगी। और अभी तो फिर होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, जब बल्ले से सेंचुरी मार सकते हैं तो गेंद से कुछ भी कर सकते हैं। गेंद ने हिंट ऑफ टर्न दिखाया था पहली पारी में भी बांग्लादेश के, लेकिन विकेट नहीं मिले। जड्डू को मिले, 2 विकेट उनको मिले हैं लेकिन अभी अश्विन को नहीं मिल पाए। क्योंकि एक चीज यहाँ एक बड़ा फैक्टर ये भी है ना सर, दिमाग में जो एक विरोधी टीम होती है वो पहले से एक लेके चलती है कि चेन्नई में मैच है, स्पिनिंग ट्रैक हो सकता है, अश्विन की गेंद वहीं बहुत फंस सकती है, देख के खेलना होगा। तो एक पर्टिकुलर गेंदबाज के लिए आप उतने तैयार हो जाते हैं कि उसे शायद विकेट नहीं मिल पाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन भाई अश्विन भी अश्विन है, उन्होंने अपनी आपकी जैसी बड़ी टीमें देखी हैं पिछले 10 साल में और बहुत सारी टीमें आई हैं जो हैं अश्विन को फेस करने में थोड़ी मुश्किलें, जिनको आई हैं थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हद तक ही आई हैं। तो हम यहाँ जैसे सर की उस बात से भी एग्री करते थे कि अभी बुमराह गेंदबाजी करने आएगा तो इन पे 150 भी भारी पड़ जाएंगे, और हम अब उस बात से भी एग्री करते हैं कि जब अब अश्विन दूसरी पारी में गेंदबाजी के लिए आएंगे तो ये जो जीरो काउंटर आपको नजर आ रहा है वो नहीं आएगा, इसमें विकेट 1, 2, 3, 4 और शायद 5 से 6 भी नजर आ सकते हैं। क्योंकि जब वो विकेट लेना शुरू करते हैं तो गुच्छे में शिकार करते हैं, लगातार करते हैं, और जितने लेफ्ट हैंडर्स बांग्लादेश की टीम में हैं वो तो भला वो बुमराह को उन्होंने आउट कर दिया, वरना अश्विन अब नहीं तो 2 ओवर बाद उन्हें फंसा ही लेते। बिल्कुल उन्हें फंसा ही लेते। और ये जो टेस्ट मैच में 5 दिन का समय होता है, वैसे तो अब सारी कहानी जो है वो यहीं पर है कि बांग्लादेश की टीम इस टेस्ट मैच को 4th दिन ले जाना चाहती है, ले जा पाती है या नहीं, वरना ड्राइविंग सीट पर भारतीय टीम है। अब वो हाईवे पे निकल चुकी है, जीत उसको दिखाई दे रही है, बस अब वो कितनी देर बांग्लादेश को टहलाएगी, कितनी देर अपना पेट्रोल फूकेगी यही देखना बाकी है। वरना 308 रन मैं अभी से मान के चल रहा हूँ कि ये जीत के लिए काफ़ी रन है। अब इसमें कितना ज़्यादा रन और भारतीय टीम जोड़ती है वो जीत और हार का अंतर होगा, ऐसा मेरा मानना है और ये प्रिडिक्शन भी आप मान सकते हैं मेरा। लेकिन जीत भर के रन भारतीय टीम जोड़ चुकी है। रहेगी हमारी इस मुकाबले में अब जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी नज़र, तीसरे दिन के खेल पर जब शुरुआत होगी फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन तब तक के लिए गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, सलाह है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।